हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर नमित मेहता, पाली जिला, साथ ही पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने आज सोजत रोड के निकट सावरान गांव में पहुंचकर लोगों के जन अभियोग सुने। ग्रामवासियों और महिलाओं द्वारा पेयजल विद्युत आपूर्ति की मांग रखी गई। इस पर जिला कलेक्टर अमित मेहता ने सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए ग्राम पंचायत से बोरवेल खुदवा कर जलदाय विभाग को हैंडओवर करने का आश्वासन दिया। अतिथियों का पूर्व सरपंच व समाज सेवी कैलाश मालवीय, नारायण लाल सिंह भाटी, मेवी सिंह प्रेम सिंह राठौड़, मोहम्मद सिकंदर, भोलाराम प्रजापत, साथ ही राजबहादुर सिंह, रामचंद परिहार ने अभिवादन किया। इस दौरान भामाशाह दलाराम चोयल व रामलाल का भी जिला कलेक्टर द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान मारवाड़ उपखंड अधिकारी अजय चारण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विकास मारवाल, तहसीलदार रामलाल मीणा, विकास अधिकारी किशन सिंह राठौड़, थाना अधिकारी ऊर्जा राम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा गया कि जिले में पेयजल की समुचित व्यवस्था है, साथ ही जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने के लिए कारगर कदम उठाया जा रहा है। 1 जून से सरकारी कार्यालयों में पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी रहेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी हुई है और लोगों के साथ समय समय पर संवाद भी किया जाता है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता, इन्होंने ये कहा। सर, पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? कितने अभी तक ट्यूबवेल खुद चुके हैं? कितना काम हो चुका है? कितने हैंडपंप रिपेयरिंग हो चुके हैं? देखिए, पेयजल अगर पूरे जिले की अपन बात करें तो 300 से ऊपर के लगभग हमने ट्यूबवेल स्वीकृत कर रखे थे, जिसमें से अधिकतर कोई 10-15 खुदने से शेष होंगे, अदरवाइज सभी खुद गए हैं। कमिश्निंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन से पाली में पानी लाया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी स्रोत मिल रहे हैं उसको तैयार किया जा रहा है। जैसा आपको ध्यान होगा कि पाली के पास जाडन में जो माइंस है उसका भी पानी उपयोग में लिया जा रहा है। काफ़ी संख्या के अंदर हैंडपम्प खुदाए जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग हैंडपम्प पे सिंगल फेज के जो मोटर है वो लगाई जा रही है, और TOW भी बहुत अधिक मात्रा में जहाँ भी पानी की आवश्यकता वहाँ कराया जा रहा है। सर, अपने 1 जुलाई से प्लास्टिक मंथ पर अभियान चलाने जा रहे हैं, उसको लेकर जिले में किस तरह से तैयारी की जाएगी? देखिए, उसको लेके अभी अपने जो आप एक उससे जो प्लास्टिक बैन हो रहा है सिंगल यूज, अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिए गए। एक बड़ी बैठक, एक बड़ी अवेयरनेस कैंपेन मेरे द्वारा भी उसमें की गई थी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10-15 दिन के अंदर एटलीस्ट 1 जून से जो सरकारी कार्यालय है वो 30 दिन पहले ही अपने यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दे। उस पर भी विचार किया जा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो जिस तरह से आप लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं, उसका क्या फीडबैक रह रहा है कि क्या जनता क्या चाहती है? नहीं, इसका तो फीडबैक, आप यहाँ मौजूद हो, आप सब लोग, आपके साथ हम सब लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सभी जो ग्रामीण जन है, सभी हमारे जो पाली के वासी हैं, तो वो बढ़िया, बहुत अच्छे वातावरण में एक संवाद, एक जन सुनवाई। आज तो जन सुनवाई नहीं थी, एक संवाद के रूप में हम कर रहे थे, पर फिर भी जो 2-3 छोटी बातें या कोई समस्या जो गाँव की होती है वो आई, उसके ऊपर जो संबंधित अधिकारी थे उनको कहा गया है कि उसको तुरंत कार्रवाई करें। एक आध गली मोहल्ले में कहीं पानी का इशू था, उसको भी कह दिया है कि वहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई कराई जाए, और बाकी जो छोटे मोटे इशूज है उसको भी कराया। जागरूक टीवी के लिए राजस्थान सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।